बोल्ट अपनी TWS की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए Z40 और Z40 Pro के बाद अपने नेक्स्ट धमाकेदार TWS ईयरफोन्स लेकर आ गया है, जिसका नाम है बोल्ट Z40 Ultra। This comes with a special launch price of 2000 rupees और इसमें आपको ANC के अलावा काफी सारे interesting features देखने को मिलते हैं। But क्या Bolt Z40 Ultra से इस time की market को TWS की market को हिला पाएगा? Is it the best TWS earphones under 2000? आओ जानते हैं। पर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अपने भाई अपने यार को सपोर्ट जरूर करना by subscribing to our channel। So let's start with the unboxing of Bolt Z40 Ultra। So box कुछ इस type का देखने को मिलता है। इसकी packaging काफी अच्छी है। Box content की बात करें तो कुछ पुस्तकें, उसके नीचे ये ईयरफोन्स जिनको एक बार हम साइड में रख देते हैं, देन इस एरिया में आपको बाकी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा एयर टिप्स एंड चार्जिंग केबल टाइप सी वाली। एंड हियर कम्स द TWS ईयरफोन्स बोल्ट Z40 अल्ट्रा। एंड जस्ट लुक एट इट्स डिजाइन, फर्स्ट लुक में ही काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। एंड वंस यू गोना टेक इट इन योर हैंड्स, हाय हाय, नीचे मैट फील और ऊपर ये चमचमाता हुआ ग्लॉसी लुक विद दैट मेटालिक रिम इन द मिडल, फॉर श्योर वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम डिजाइन। एंड इवन इट इज क्वाइट कॉम्पैक्ट, इसको आप हाथ में पकड़ो या फिर जेब में डालो, इसको लेकर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड इट कम्स विद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड बैटरी इंडिकेटर्स। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इस छोटे से कॉम्पैक्ट से केस के अंदर आपको 100 आवर्स का टोटल प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा, विच इज लिटरली इनसेन। एंड इफ दैट्स नॉट इनफ, इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि 10 मिनट चार्ज करने पे आपको मिलेगा 100 मिनट्स का प्ले टाइम। एंड देन वी कम टू द डिजाइन ऑफ दिस ईयरफोन्स, तो यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है, साथ में बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट द फिट, तो ये काफी ज्यादा स्नगली फिट होते हैं। मैंने इसको निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करी अपने खोपड़े को इधर उधर हिला के, बट यो ना गिरते। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिट, इसको लगाते ही काफी हद तक तो बाहर की नॉइज कैंसिल हो जाती है, बट बाकी बची नॉइज के लिए ये आता है 32 dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ, विच वर्क्स वेरी वेल बिकॉज ANC ऑन करते ही बैकग्राउंड की जो नॉइज है वो काफी हद तक कैंसिल हो जाती है, इससे आपका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। अब म्यूजिक की बात चली है तो कुछ तड़कता फड़कता सुन ही लेते हैं। Okay, I have been using these for few days now and I must say कि इसकी साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त है, बिकॉज इसके अंदर आपको 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और बेस काफी तगड़ा देखने को मिलता है, इवन जो लाउडनेस है वो भी बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ इन्होंने वोकल्स की जो क्वालिटी है उसको भी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करा है। ओवरऑल यू गोना एंजॉय म्यूजिक लिसनिंग एंड बिंज वॉचिंग विद बोल्ट Z40 अल्ट्रा। और रुको जरा, अभी तो फीचर्स बहुत बाकी हैं इसके। सो नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द कॉल क्वालिटी ऑफ बोल्ट Z40 अल्ट्रा, तो इसमें आपको क्वाड माइक देखने को मिलते हैं विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट, और इसकी कॉल क्वालिटी सीरियसली काफी अच्छी है, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। बाकी इसका जो माइक टेस्ट है वो वीडियो के लास्ट में है, तो उसको सुन के वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसकी माइक टेस्ट जो है, माइक क्वालिटी जो है वो कैसी लगी। कुछ और हार्डवेयर फीचर्स की बात करें तो इट गॉट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, तो कनेक्टिविटी को लेकर आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके साथ आपको डुअल पेयरिंग डिवाइस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि आप साइमल्टेनियसली दो फोन्स या फिर एक फोन साथ में टैबलेट या फिर एक फोन साथ में लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो और स्विच कर सकते हो जिसमें भी आप कोई चीज प्ले करते हो तो। एंड अलॉन्ग विद दैट इट गॉट AAC कोडेक सपोर्ट, तो इसकी वजह से म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। और अगर आप एक्सरसाइज के टाइम पे इन ईयरफोन्स को पहनना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर आपको IPX5 की वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिलती है, तो स्वेट वगैरह को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। इतने सारे फीचर्स होने के अलावा बोल्ट ने गेमर्स का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा है, बिकॉज इट गॉट अल्ट्रा लो लेटेंसी रेट दैट इज 45 मिली सेकेंड।
एंड इसका जो गेमिंग टेस्ट है वो वीडियो के सेकेंड लास्ट पार्ट में है, तो इसकी लो लेटेंसी रेट और गेमिंग मोड का जो आइडिया है वो आपको लग जाएगा। बाकी इसमें आपको ये सारे टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो इन ईयरफोन से ही। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज, आपको बोल्ट Z40 अल्ट्रा के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? एंड माई आंसर इज डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बोल्ट की Z40 सीरीज के प्रीवियस वर्जन को देखें तो वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। बोल्ट Z40 और बोल्ट Z40 Pro, ये दोनों काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और बेस्ट सेलिंग TWS रहे हैं। एंड उन्हीं की तरह बोल्ट Z40 अल्ट्रा भी एक बेस्ट सेलिंग TWS ईयरफोन्स बन सकते हैं, बिकॉज इट गॉट सो मेनी फीचर्स एंड गुड साउंड क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी। चलो अब इसका गेमिंग टेस्ट और माइक टेस्ट चेक कर लो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एफर्टलेसली। भाई अभी मैंने ना एक ईयरफोन लिए थे, बोल्ट Z40 अल्ट्रा। ओके, तो मैं उसी को कनेक्ट करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप ये बताओ कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है? नहीं, कॉल क्वालिटी काफी नहीं गुड है, कोई ऐसा बैकग्राउंड में भी नॉइज भी नहीं आ रही है। और क्योंकि नॉइज मतलब बैकग्राउंड में हमारे यहाँ पर फाउंटेन चल रहा है, तो उसकी पानी वगैरह की आवाज आ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। और अच्छा है, मतलब वॉइस क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी, मतलब कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, कोई भी नॉइस डिस्टरबेंस नहीं। नॉइस आई थिंक इसमें अच्छी नॉइस कैंसिलेशन है।